लगातार डॉट इन से मैं राजलक्ष में आप सभी का स्वागत करती हूँ तीन प्लेट सत्स सेंटनरी पार्क में। दरअसल TCIL तीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर 20 जनवरी 2020 को तीन प्लेट कंपनी ने शहरवासियों को सेंटनरी पार्क का यह खूबसूरत सा तोहफा दिया, जो कि बनकर तो पिछले वर्ष ही तैयार हो चुका था, परंतु COVID-19 के लॉकडाउन के कारण यह पार्क आम जनता के लिए खुल नहीं सका था। चूँकि अब राज्य सरकार ने पार्कों को खोलने का आदेश जारी कर दिया है, तो यह पार्क भी खुलकर पूरी तरह से आम जनता के लिए तैयार है। तो चलिए हम नज़र डालते हैं एक बार उस पार्क में कि आखिरकार क्या कुछ खास व्यवस्थाएँ इस पार्क में की गई है, जिसकी चर्चा तीन प्लेट कंपनी लगातार किए हुए है और लोगों को यह कितना पसंद आ रहा है। पार्क में घुसते साथ ही जो कुछ खास आपको देखने को मिलेगा वो ये कुछ इस तरह से बना हुआ है, ओपन थिएटर टाइप का ये जो संरचना दी गई है पार्क में, ये आमतौर पर पहले गांव में की जाती थी, जहां पर नुक्कड़ नाटक या कुछ सभाओं का आयोजन किया जाता था, तो यहां वहां पर कुछ इस तरह की संरचना बनाई जाती थी। परंतु आजकल यह ट्रेंड शहरों में भी चल रहा है और आपको ये जो चीज़ है वो सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाली मिलेगी, जहाँ पर कुछ भी परफॉर्मेंस हो सकता है और यहाँ पर दर्शक दीघा बना हुआ है, जहाँ पर दर्शक बैठकर उसका आनंद ले सकते हैं। और ये पार्क पूरी तरह से, ये स्पेस जो आपको दिख रहा है वो पूरी तरह से पेड़ों से घिरा हुआ है, तो यहाँ पर हरियाली की कोई कमी नहीं है। पार्क जब से खुला है तब से आप लोगों के ये बैडमिंटन कोर्ट जो बनकर तैयार है और सबके हाथ में मैं यहाँ पर बैडमिंटन देख सकती हूँ, तो फिर कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है। पहले बैडमिंटन बाहर खेलने को मिलता था, पहले जगह नहीं था अंदर, अब पार्क बन गया है, बहुत अच्छा जगह हो गया है, बहुत खुशी की बात है। सुबह शाम बैडमिंटन यहाँ चलता है। अच्छा, तो सुबह शाम आप लोग यहाँ पर बैडमिंटन खेलते हैं? मॉर्निंग के टाइम में खेलते हैं और इवनिंग के टाइम में। पार्क जब से खुला है तब से कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले ये बैडमिंटन एरिया और यह इतना बड़ा स्पेस नहीं मिलता था, अभी खेलने को बहुत अच्छा स्पेस मिला है। और यहाँ पर सुबह सुबह भी जॉगिंग करने के लिए या फिर खेलने के लिए आते हैं या फिर सिर्फ शाम के टाइम? सिर्फ शाम के टाइम। ओके, नाम बताइएगा। MD नदीम खान। और जो कुछ आपको ये खास देखने को मिलेगा इस पार्क में वो ये है बैडमिंटन कोर्ट एरिया, जहाँ पर बच्चे खुशी से बैडमिंटन खेल रहे। बच्चों का कहना है कि इससे पहले उन्हें कभी इतना बड़ा स्पेस बैडमिंटन खेलने का नहीं मिलता था, लेकिन अब ये स्पेस जब उन्हें मिल चुका है तो वो सुबह शाम यहाँ पर बैडमिंटन खेलते हैं, आते हैं यहाँ पर, घूमते हैं और इस कोर्ट का आनंद लेते हैं। अपना नाम बताइए और कहाँ से हैं? मेरा नाम अर्चिता है और मैं नामदा बस्ती से हूँ। यहाँ पर पार्क पहली बार घूमने आए हैं या फिर घूमने आते रहते हैं? पहली बार आए। और पहली बार आए हैं यहाँ पर, सामने में रहते हैं, क्या कुछ खास लग रहा है यहाँ पर पहली बार आप आए हैं पार्क में? तो उसका नेचर, ग्रीनरी, फिर जो है ट्रीज वो सब, उसका ये सब, फिर और ये इधर जो बनाया गया, फिर उधर देखिए वेस्ट चीज रिसाइकल किया गया। वही पार्क की जो दूसरी सबसे खास बात मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है वो है इसका मॉडिफाइड फॉर्म, यानी कि इसमें जो कुछ पहले ये एक ओपन स्पेस हुआ करता था जहाँ पर बच्चे ऐसे आकर खेला करते थे, और ये जो मेरे पीछे आपको देखने को मिल रहा है ये एक नाली नुमा संरचना है, जिसको मॉडिफाई करके ये खूबसूरत सा ये आकार दिया गया है। और मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि इसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया या फिर नाली को बंद नहीं किया गया है। चाहते थे तो इस स्पेस का भी बड़े अच्छे से इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन इस नालीनुमा संरचना को पूरी तरह से सेफ किया गया है और ये ग्रिल से पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर जो नाली है और जो पानी और जो पौधे लगे हुए हैं वो एज़ इट इज़ उसको वैसे ही छोड़ दिया गया है। तो ये खुद को पार्क को जो एक खूबसूरती को ये एक निखार ला रहा है पार्क की खूबसूरती में, कि चीज़ों को जैसे थी चीज़ें वैसी चीज़ों को छोड़ा गया है, ना कि उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। क्योंकि अमूमन ऐसा देखने को मिलता है कि चीज़ों को सुंदर बनाने के लिए उसे बर्बाद किया जाता है पहले, उसके बाद फिर उस पर कुछ नई कलाकारी की जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया गया है। जो पहले से थी चीज़ें उसी को मॉडिफाइड फॉर्म में खूबसूरती दिया गया है, तो ये सबसे अच्छी बात पार्क की लगी है मुझे।
कैसा लग रहा है? घर के सामने पार्क बना है और यहाँ पर लोगों को बैठने के लिए, और आपको बहुत देर से देख रही हूँ यहाँ पर आप बैठे हुए, तो एक शांति यहाँ पे पार्क एक अलग ही महसूस होती है, कैसा लग रहा है? पार्क में बैठना तो अच्छा ही होता है, बहुत सेहत के लिए फायदेमंद होता है, प्लस फ्रेश एयर, और दिन भर का थकावट या जो भी मेंटली वर्क प्रेशर सब यहाँ। और कैसे मतलब क्या कुछ खास आपको लग रहा है इस पार्क में, क्या कुछ नया, क्योंकि पार्क जमशेदपुर में बहुत सारे हैं, लेकिन आपको क्या नया दिख रहा है इस पार्क में? ये पार्क बेसिकली छोटा ही है, बट छोटे में काफ़ी अच्छे तरीके से ओरिएंटेड है। यहाँ पे काफ़ी कुछ है जिससे मतलब लुक्स भी काफ़ी अच्छे हो रहे हैं ये पार्क के, तो वो भी अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पे गार्ड की भी फैसिलिटी है जो बाहर में है, तो वो देख भी रहे, तो वो भी काफ़ी फैसिलिटी है। बाकी सारे पार्क में ये नहीं रहते, तो ईव टीजिंग भी होती है जो यहाँ पे आई बिलीव नहीं होगी। कैसा लग रहा है घर के पास पार्क बना है, खेलने के लिए स्पेस अच्छा मिला लग रहा है? पहले लॉकडाउन के चलते खेलने नहीं मिलता था, अभी बीच में खोल लिया तो अच्छा लग रहा है। कितने सालों से यहाँ पर? साल भर हो गए हैं है, और साल भर से यहाँ कोई हलचल नहीं था, अभी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है, सब चीज़ अच्छा है एकदम। पार्क खुला 1 जुलाई से है, और इतना दिन से कोई आदमी लोग नहीं आते थे इधर, हम लोग भी खुश हैं अभी कि सब चीज़ अच्छा लग रहा है। इस पार्क में जो तीसरी सबसे खास बात तो मुझे दिख रही है और मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, वो ये है रीयूजेबल मटेरियल से बनी हुई ये कलाकृतियाँ, जो कि वाकई बहुत ही खूबसूरत है, देखने में काफ़ी सुंदर है। और आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जब आप इसके बारे में पता चेक करेंगे तो जमशेदपुर शहर में ऐसे बहुत सी कलाकृतियाँ बन रही हैं जो कि चौक चौराहों पर खरीद की जाती है, और सारी ही रीयूजेबल मटेरियल से बनाई गई हैं। तो ये काफ़ी कुछ खास है, काफ़ी एक्साइटिंग है यहाँ पर देखने को, और ये काफ़ी आकर्षक लग रहा है, और ये तब अपीलिंग है कि आप आइए एक बार पार्क घूमिए और देखिए कि क्या कुछ खास है इस पार्क में। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।